परिस्थितियां इतिहास हमारा लिखा नहीं गया उतने अच्छे से जितना अच्छा लिखा जाना चाहिए था, लेकिन जो जो हमको ज्ञात होता जा रहा है, इतिहास लेखन हो रहा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अभी अभी आपने एक बात सुनी होगी केशवराय दामी जी के बारे में, बांसा कला के राजा रहे केशवराय दामी, सुना? वो किसी गलती से एक ये जो वीडियो सीरीज आजकल बनती है वो कोई है, उन्होंने गलत रूप में केशवराव दामी जी जो बांसा कला के बहुत बलशाली राजा थे और इतने बलशाली थे कि छत्रसाल जो कि बुंदेलखंड के स्थापित उस समय के राजा माने जाते हैं, वो और केशवराव दामी जी का मल्ल युद्ध हुआ। ये भास्कर ने छापा है, मेरे पास उसकी कटे। उस मल्ल युद्ध में केशवराव दामी जी के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र हुआ वो मारे गए। उस आदमी ने जिसने ये वेब सीरीज बनाई उसने कहा कि वो केशवराव दामी जी तो औरंगजेब के साथ, उसका पूरे भारत के दामियों ने विरोध किया। आप सब लोग भी उसमें शामिल हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सत्य कुछ और है, सत्य को हम सामने लेके आना चाहते हैं और हमारा पूरा समाज लेकर आया केशवराव दामी। अब आपको वहां से मिल चलता हूं, बांसा कला के सागर के पास में जगह, सागर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सागर हमारा एक कमिश्नरी है मध्य प्रदेश की, बड़ा शहर है। वहां दलपत शाह दामी जी के बनाए हुए किले में आज भी उनका बीजक लगा है, राजा दलपत सिंह दलपत शाह दामी, और पुलिस की एकेडमी वहां पर चल रही है। उससे थोड़े दूर खुरे ये जगह है जहां से भूपेंद्र सिंह जी माननीय हमारे मंत्री है, समाज के गौरव है, वो वहां से विधायक है। वहां दामी समाज का राजा का बनाया हुआ किला, और उससे आगे जाए तो नरवर में किला, नरवर शिवपुरी जिले में आता है। एक नहीं अनेक किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि आपके पूर्वज राजा भी थे, महाराजा भी थे, और जो आप कहना चाहें वो सब थे। तो आप राजपूत, राजपूत कौन हुआ? जो राजा का पुत्र वो राजपूत, आप राजपूत भी हैं, आप ठाकुर भी हैं, और आप दामी सबसे पहले। इतिहास की जब मैं थोड़ी सी बात और कर रहा हूं, अभी बीरेन जी कहां गए? जी, उन्होंने एक प्रस्ताव में लिखा है विराटा की पद्मिनी, जी ये एक उपन्यास लिखा है जी।